हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के थोड़ी देर ममता जी एक सेकंड ममता जी बताइए ना नहीं नहीं आप लोग ये कह रहे हैं ना कि नोटिस भेजा हुआ था, एक सेकंड नोटिस भेजा हुआ था ना, एक सेकंड नोटिस भेजा हुआ था, यही कहा जा रहा है ना कि नोटिस भेजा हुआ था, इसलिए कार्रवाई जायज कार्रवाई है। तो 2016 से 8 जुलाई 2019 के बीच 52,000 से ज्यादा अवैध निर्माण की शिकायतें बीएमसी के पास आई थी, उसमें से बीएमसी ने कार्रवाई की 5,461 इमारतों पर, जो कि 10% होता है मुश्किल से। रिया जी समझ रही हैं आप इस बात को, केवल 10% शिकायतों पर बीएमसी ने कार्रवाई की है। और आज जहां कंगना के घर तोड़ने गई थी ना, वो उसके बगल में हर एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर उसी तरीके के शेड्स डाले हुए हैं, उसी तरीके का इंक्रोचमेंट किया हुआ है, लेकिन बीएमसी के बुलडोजर को लेजर गाइडेड करके भेजा गया था कि नहीं वहीं चलना है, दूसरी तरफ मत हो जाना थोड़ा सा भी। उसको कंगना को क्या नोटिस नहीं मिला था इस बारे में? मिला था ना, उसको दो दिन पहले ही नोटिस मिला था। किस चीज की वेट कर रहे थे 2018 से लेके टिल टुडे, वो किस चीज की वेट कर रहे थे? रिया जी ये भी बता दीजिए ना। और आप मुझे पाकिस्तानी ममता जी, आपका नाम ममता जी, अब रिया बोल रहे हैं, ममता जी, ममता जी रिया बोल रही है ना, रोहित जी मुझसे ममता जी, ममता जी आप ममता जी, ममता जी, ममता जी रिया बोल रही है ना, रोहित मुझसे पूछ, ममता जी अब रिया को सुनिए, आपका नाम रिया है क्या? आप बोलिए रिया। नहीं नहीं आपको जवाब दे रही हूँ, आप संजय राव से ममता जी, ओके, जो आप ओके, में बोल रहे हैं ममता जी, अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं ममता जी, वॉल्यूम डाउन कर रहा हूँ, अब रिया बोल रही है, आप भी सुनिए, बोलिए रिया डिसूजा, बोलिए फटाफट बोलिए, बोलिए रिया डिसूजा जी, तीन लोग आपने वापस पूछे कि ममता की चिल्लाने पे मैं भूल गई हूँ क्या। अच्छा तो मैं सवाल दोबारा पूछ देता हूँ मैडम आपके लिए, मेरा सवाल ये है कि पिछले 2 साल में बीएमसी ने 10% शिकायतों पे कार्रवाई की, क्या बीएमसी ऐसे ही वेट करती है कि कोई मौका आएगा तब उस पर चौका लगाएंगे, वरना नोटिस दबा के रखते हैं उसको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अपना काम वो करती रहती है, मगर ये ऐसा नहीं है कि उनको नोटिस नहीं भेजा गया था। उनको कितनी बार, मेरे हाथ में इतने सारे नोटिसेस उसके पड़े हुए हैं, 2018 को भी, 2017 को भी, और 2 दिन पहले भी उसको नोटिस दिया गया था। ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं दिया गया था, तो ये मत कहिएगा कि उसको नोटिस नहीं दिया गया था, उनकी इलीगल एक्ट में उनको नोटिस दिया गया था। हमारे साथ रामदास अठावले जी आ गए, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा था, रामदास अठावले जी आ गए, प्रोटेक्शन मिल रहा था देवेंद्र फडणवीस जी से, इसीलिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो शिवसेना बीजेपी के दबाव में थी तब कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, डर के मारे कि बीजेपी को बुरा लग जाएगा, कांग्रेस के आते ही उनके हाथ पैर खुल गए, ये आप कह रही हैं? ये मैं आप अल्फाज डाल रहे हैं मेरे, नहीं आपकी बात, आपकी बात से मुझे जो समझ में आया, आपका कहना है ये, आप जो कह रही हैं मैंने उसी को ट्रांसलेट किया, समझना है सर। हाँ तो मुझे यही समझ में आया कि आप ये कह रही हैं जब तक बीजेपी के साथ थी शिवसेना तो नहीं कार्रवाई कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के साथ आई तो कार्रवाई करने का मन कर गया। राहुल ईश्वर फटाफट अपनी बात बोलिए, फिर रामदास अठावले आ गए, केंद्रीय मंत्री उनसे बात करेंगे जल्दी। दोनों तरफ से डिस्प्रोपोर्शनेट बात हो रहा है, दोनों तरफ से डीएस्केलेट कर देना चाहिए, दोनों तरफ से एक्सेजरेशन हो रहा है। कंगना जी ने जो डीएस्केलेट करना पड़ेगा, मंदिर से कंपेयर किया ये बहुत अच्छा नहीं है। आप एक अपने सिटीजन के साथ जो आपको टैक्स पे करता है आपके यहाँ रहने के बाद, वोट करता है आपके यहाँ रहता है, तो अगर वोटर है वहां का तो सर आप उसके साथ डीएस्केलेशन की मांग कर रहे हैं? ये कोई सेना खड़ी है क्या दोनों तरफ से? ये सरकार का युद्ध चल रहा है क्या कंगना रनौत के साथ अपने यहाँ के? सर मुझे एक बात बताइए, राहुल ईश्वर आप जहां रहते हैं, राहुल ईश्वर आप कर्नाटक में रहते हैं, आप बेंगलोर में रहते हैं जहां तक मेरी जानकारी है अगर मैं सही हूं तो, या कर्नाटक के जिस भी शहर में रहते हैं, अगर कर्नाटक की राज्य सरकार ये मान ले कि मेरा राहुल ईश्वर से युद्ध चल रहा है, क्या जायज बात है? राहुल ईश्वर एक नागरिक होकर सवाल नहीं उठा सकता क्या? क्या मैं इंडिया को पाकिस्तान बुलाऊंगा? क्या नहीं कहा लोगों ने पहले? जो भी फाइल क्या रॉबर्ट वाड्रा ने इस देश को बनाना रिपब्लिक नहीं कहा? किसने मकान तोड़ा जाके रॉबर्ट वाड्रा का? रॉबर्ट वाड्रा ने जब इस देश को बनाना रिपब्लिक कहा, क्या सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा के मकान का बुलडोजर चला दिए? इसलिए दोनों साइड को डीएस्केलेट करना चाहिए, और राम मंदिर से अपने ऑफिस को कंपेयर करना ये भी गलत बात है। राहुल ईश्वर दोनों तरफ से डीएस्केलेट कीजिए। राहुल ईश्वर आप अगर भगवान के मानने वाले हैं, आप अपने घर को मंदिर मानेंगे, कोई उस पर एतराज नहीं करेगा, आपको किसी और को पूजा करने के लिए नहीं बुलाना, खुद पूजा करनी है। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ राहुल ईश्वर, आप पाकिस्तान से तुलना करने को बुरा मानते हैं, देश को बनाना रिपब्लिक बोलना बुरा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जरूर मानते हैं। तो अगर बनाना रिपब्लिक बोलेगा कोई तो क्या उसके घर पे जाके बुलडोजर चला देना चाहिए कि इन्होंने बनाना रिपब्लिक कैसे कहा देश को?
इसीलिए दोनों साइड को शरद पवार जी ने जो बयान दिया वो बहुत अच्छा दिया, एक डीएस्केलेशन का टोन था, कॉम्प्रोमाइज और कंसेंसस होना चाहिए, इसीलिए टोन डाउन होना चाहिए, रेस्ट्रेन है जो हम अंग्रेजी में कहते हैं वो रेस्ट्रेन आना चाहिए दोनों तरफ से, सीनियर लीडर त्रिवेदी जैसे सीनियर लीडर है और दोनों तरफ से एक डीएस्केलेशन के लिए सोचना चाहिए। कंगना जी ने 3 बार अवार्ड भी जीता है, उसको अपने बयान और मॉडरेशन और रेस्ट्रेन से होना चाहिए। इसलिए बीएमसी को भी जिन्होंने वो 2008 मार्च को नोटिस दिया ये सही है, मगर उसको भी एक टोन डाउन तरीके से जाना चाहिए, नहीं तो हमारा पब्लिक डिस्कोर्स बहुत खराब होगा, बहुत डेंजरस होगा और डिस्ट्रक्टिव होगा।